तो जी हाँ दोस्तों, चश्मे बेच के इकट्ठे हुए पैसों से दिल्ली के मुस्टंडे आज जा पहुंचे हैं गुरुग्राम, और आज पब्लिक डिमांड पे आपके सामने पेश कर रहे हैं एक नया चैलेंज जिससे आपके मुंह में पानी की बाढ़ आ जाएगी। आज की पनिशमेंट में किसको मिलेगा कोल्ड शोल्डर, सो ब्रेस योरसेल्फ कॉज विंटर इज कमिंग। कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है, हम तो पीते हैं कि यहां पर बैठ सके। भाई क्या हो गया? क्या हो गया? कौन कमबख्त, क्या गम हो गया तेरे को? बियर मंगवा लो अपने लिए भी। आई मैं तो रोहित की वेट कर रहा हूँ, मुझे पीना तो यार पागल। इस इलाके में नए आए हो साहब? कहाँ है अभिषेक? अरे आप तो रोहित हो ना, ईट्रीट वाले? मैं एक मिनट कॉल करता हूँ। हाँ हाय। अरे हाय अभिषेक जी, हाँ आपके साथ। अरे अभिषेक का मेरे को भी नहीं पता यार, यहाँ पर बुला के मेरे को भी अभिषेक को ही ढूंढ रहा हूँ मैं एक्चुअली। प्लीज आप अभिषेक को कहोगे आई हैव अ ह्यूज क्रश ऑन हिम। आई विल ट्राई। अच्छा अच्छा, आई विल गिव यू माय नंबर, जस्ट गिव इट टू हिम। ओके ओके गुड। ओके आई एम गेटिंग वेरी लेट, आई सी यू, बाय बाय, प्लीज गिव इट टू हिम। ओके बाय। यार चुस हुए आम पे कब से क्रैश होने लग गए लड़कियों को। भैया चलेंगे? चलेंगे सर। खुश हुआ। हेलो भाई, आना कहाँ है? लेक फॉरेस्ट। लेक फॉरेस्ट क्या है? ठेका। ठेका? ओ भैया लेक फॉरेस्ट से लेफ्ट है और उसके आगे से फिर आगे जाइए, वहाँ से आएगा डिस्कवरी। डिस्कवरी का ऑफिस है क्या? एक और ठेका। ठेका है? अबे तू कहाँ बैठा है? बट यार मैं बैठा हूँ जंक्शन पे। अरे तू जंक्शन बैठा हुआ, मुझे ठेकों के आसपास घुमाया जा रहा है। चल आ रहा हूँ फिर। भैया तीन चार ठेके आएंगे, उनसे लेफ्ट राइट कर लेना यार, आ जाएंगे मुझे लग तो। एक रहा एक खत्म नहीं हुआ चूतिए। अब उनका धंधा डर पे चलता है। कोकेम्पो खुश हुआ। मेरा नाम है फुल्ला और मैं रखता हूँ फुल्ला। काम का इंतजार तो 11 मुल्क सुबह से शुरू हो गए। तुम बियर पीने का टाइम थोड़ी होता है, क्या हाल है तेरे? सिस्टम क्या है तुम्हारा यहाँ? और ये क्या भाई लोकेशन, क्या हर ठेके से रास्ता बता रहे हो? भाई मेरे को गुड़गांव में लोकेशन है, ठेके के साथ पता है। भाई निकलना नहीं है, चलते हैं खत्म करके 5-10 मिनट में। चल भाई चीयर्स। चल चले। भाई ये सही हुआ ना, डायरेक्टर की गाड़ी मिल गई अभी। इधर मिला कम से कम, बजट इतना लो कर रखा है कसम से, ऑटो में घूमना पड़ता है हमेशा। अरे क्या हो गया भाई? क्या हो गया भाई? अरे उसको बिठा लो। किसको बिठा ले? पीछे दो बंदे बैठेंगे। ऑडियो वाले को बिठा लो एक बार। अरे क्या यार, कितना कंजूस आदमी है भाई। क्या हो भाई क्यों? अरे वो ऑटो करना पड़ेगा अलग से। तो कर लेगा, 50 रुपए ले लेगा ऑटो वाला। ऑटो करना पड़ेगा यार, भाई हालत चेक कर लो। ऑडियो दादा पीछे बैठ गए हैं, कैमरा मैन तो आगे बैठे ही हैं। इतनी गर्मी में स्ट्रगल, ड्राइवर हमारा गाड़ी चला रहा है, हम दोनों फंस के बैठे हैं। ये है हमारे मतलब, और आप कहते हो हम जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। हाँ वो हमारी तरह जॉब चाहिए, ले लो ले लो। अरे भाई हमारे लिए गुड न्यूज है। क्या? मैं मेट्रो स्टेशन पे उतरा, वहाँ पर एक बंदी मिल गई, उसने कहा इतना ज्यादा क्यों खाते हो आप? अच्छा अभिषेक को क्यों नहीं जीतने देते? मैंने कहा फिर वो है। अच्छा वो मेरी फैन थी मतलब? नंबर देके गई है जो तुम्हें कभी नहीं मिल रहा। दियो। कौन सा नंबर? नहीं दे रहा। क्यों भाई? कुछ लूंगा तो लेन देन तो देखो चलता है। उल्टा उल्टा घूम। बच गया साला। शाबाश, सीख गया लड़का। सारा शहर मुझे लाइन के नाम से। भाई फाइनली आ गए हैं आज हम फिर पिज्जा चैलेंज खेलने। हाँ यस। आप लोग इतने टाइम से बोल रहे थे, मुझे अर्पिता आपका नाम याद है, पिज्जा चैलेंज। तो फाइनली हम आ गए हैं टॉसिन पिज्जा चैलेंज करने। तो इस जगह का नाम है गलेरिया मार्केट, ये गुड़गांव की सबसे फेमस मार्केट है। इसको मॉल कम कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। क्यों भाई? मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ भाई। यहाँ पे खाने की जगह इतनी सारी है, बाकी शोरूम्स हैं, तो यहाँ पे भाई पूरा दिन बिता सकता है, इतना कुछ करना है। सुंदर बहुत है यार ये, मतलब सोसाइटी कॉम्प्लेक्स लग रहा है। वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग गुड़गांव यार, वन ऑफ द बेस्ट।
तो क्या सीन फिर आज? अब अपना पिज्जा चैलेंज करते हैं फिर। कौन जीत रहा है आज? ये तो भगवान बताएगा। हैं हैं। मैं बताऊं? मैं। तू बताएगा। So we have नीरज खट्टर, टॉसिन के ओनर। अब इनसे पूछते हैं 20 इंच पिज्जा बनाने में इनका रीजन क्या था? Hi Mr. नीरज, I'm अभिषेक, he's रोहित। Hello। अच्छा आप सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि ये आपका ब्रांड कितना पुराना है? What was the idea behind? बेसिकली जो है ये पिज्ज़ा चेन जो है आज से 5 साल पहले शुरू किया था। तो इनके इन टोटल कितने आउटलेट हैं? टोटल हमारे जो भी 8 आउटलेट हैं, 4 गुड़गांव में, 2 दिल्ली में, 1 नोएडा, 1 चंडीगढ़। एक चंडीगढ़। सो इस आउटलेट पे स्पेसिफिकली एक दिन में कितने पिज्ज़ा निकल जाते हैं? हम ऑन एन एवरेज एक दिन में 8 आउटलेट से 3,000 पिज्ज़ा जो है बना के बेचते हैं। 3,000? क्रेजी। जनता कितना खाती है यार। सर ये जितना आपका 15 इंच का पिज्जा है, हम तो 20 इंच का बना रहे हैं, बट इसको पूरा बनाने में प्रिपरेशन में कितना टाइम लग जाता है? ऑलमोस्ट शुरुआत से लेके रोलिंग से लेके लोडिंग एंड देन ऑफ कोर्स कुकिंग 10 से 11 मिनट में आपका पिज्जा जो बन गया। कम टाइम है ये तो यार, मतलब ये एक्सेक्ट टाइम, कम टाइम है इतना सारा खाना बनने के लिए। सो अभी आज हम यहाँ पर चैलेंज करने आए हैं कि कौन इस बड़े 20 इंच वाले पिज्जा के जितने ज्यादा स्लाइस खा सके, बिकॉज हमें ये तो पता है कि हमारे बस की नहीं है वो 20 इंच का फुली लोडेड पिज्जा खाने का। सिंगल लग रहा है वो, कितना भी होगा। तो अब आपको हमारा तो कॉन्सेप्ट पता ही होगा कि लाइक एक जीतता है दूसरा हारता है तो उसको पनिशमेंट है, और पनिशमेंट भी बहुत फेमस है हमारी। और आप थोड़ा सा अपना आज अपनी विशेज वगैरह दोगे किसके साथ ज्यादा है? सबसे पहले तो मैं आप दोनों को विश ये करना चाहूंगा कि आप पिज्जा जो है खा पाओ आप जो है। समझ गए। आई बेट इनफैक्ट अगर आप में से कोई बंदा अगर अकेले फिनिश भी कर पाता है तो यू हैव सम सरप्राइज फॉर माय साइड आल्सो। आई थिंक अब आगे बढ़ना चाहिए और एक्सपेक्टेशन भी खराब कर सकता अपनी। लवली टॉकिंग टू यू मिस्टर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। लेट्स मूव टू अ चैलेंज। ठीक है। Okay. तो फिर आज का चैलेंज एक बार मैं बता देता हूँ कि आज कौन अभिषेक और मेरे से जो ज्यादा पिज्जा स्लाइसेस खाएगा वो ये चैलेंज जीत जाएगा क्लियर कट। और पनिशमेंट तो फिर आपको पता ही है। इस बार तो मैं जीतूंगा पिज्ज़ा। आपको पता है मेरे को कितना पसंद है, मैंने पहले बताया नहीं है, बट मेरी आप सोशल मीडिया वगैरह फॉलो करोगे तो बहुत पसंद है मुझे पिज्ज़ा। और अभिषेक हार रहा है। अच्छा तेरे को पता है पहले से? हाँ। क्या बात है। चल तेरे को कैप्सिकम का कॉन्सेप्ट ले लेता है पिज्ज़ा में? बिल्कुल भी नहीं। इसको डालते पिज्जा में इसलिए ताकि इसको बाहर निकाल सके। क्या आपको पसंद है पाइनएप्पल पिज्जा? पाइनएप्पल पिज्जा का कॉन्सेप्ट या जो भी है, पता नहीं लोग कैसे खा लेते हैं यार। भाई टेस्टी कितना है यार। भाई पनिशमेंट आ गया? पूछो तुम। हाँ भाई हर बार मिल जाता है। बॉक्सर भाई? बॉक्सर भी दिखा रहा है। बॉक्सर? क्या बॉक्सर? मैं पागल है। हमारा डायरेक्टर हमें कच्चा दिखा रहा है, जिसको हम बॉक्सर बोलते हैं इंग्लिश में। कुछ तो बट क्या बाद में बताएंगे भाई साहब हमारे। इतनी डिफिकल्ट पनिशमेंट कि बता नहीं पा रहे अभी तक। इस पनिशमेंट का तो भी एक ही हिंट है, हमें कच्चा सॉरी बॉक्सर दिखाया गया है हवा में ऐसे ऐसे करते हुए। बस इतना ही बताया कि वो रिलेटेड है पनिशमेंट से। लास्ट टाइम में तो सुपर हीरो बना था, आज भी शायद कच्चा बना के तेरे को बना दे। कंप्लेन हो जाता है, एक पिज्जा साइज खत्म करने में मेरी पूरी जान लग जाएगी। फट गई है। सो गाइस मेरी फेवरेट जगह तो मुझे ये लगी क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करा है ये पिज़्ज़ा और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आप बताओ आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी पिज़्ज़ा खाने के लिए इन दिल्ली एनसीआर?
अभी कितने स्लाइस हो गए तुम्हारे? दूसरा चल रहा है मेरा तो। मेरा भी दूसरा चल रहा है। खा फिर। तो देख के डर लग रहा है मुझे तो। भाई ये आधा तो खा ही लूंगा मैं। क्या बात कर रहा है? हाँ मैं सोच रहा पूरा खा लूंगा। ये दो कैसे खत्म होंगे? मेरे से तो ये नहीं खत्म हो रहा। कुछ कर रहे हो? तो फिर अब ये चैलेंज तो खत्म। अभिषेक हार गया, मैं जीत गया हूँ। अभिषेक को पनिशमेंट फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब तो चले फिर, ऑप्शन है कोई और? चलो। तो फाइनली आज मैं अपना चैलेंज जीत गया और अब पनिशमेंट की बारी आई। और आज की पनिशमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। जरा एक फुल बॉडी वो डाल ना। नाम है चमकीला बाबा, आ जाओ आशीर्वाद ले लो। ठीक है। तो आज की पनिशमेंट है अभिषेक की, ये बर्फ की सिल्ली इनको लेनी, सॉरी लेनी वेनी कुछ। तो आज ये बर्फ की सिल्ली में बैठेंगे, ठीक है, दिस क्यूबॉइड। और इस पे अभिषेक को टंग ट्विस्टर मिलेंगे। वो टंग ट्विस्टर जब तक वो ठीक से नहीं बोलता ना, तब तक वो बैठा रहेगा ऊपर। वो कर लेंगे यार। यार ठीक है, तो फिर स्टार्ट करें। अरे बैठोगे तभी तो बताऊंगा। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंट की पीठ ऊंची, कुछ ऊंची पूछ ऊंट की। जैसे पिघलनी शुरू हो गई है सिल्ली। मेरी नहीं, मेरी जमनी जल्दी शुरू हो गई। जल्दी बोलो जल्दी। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंट की ऊंच नहीं, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंट की पीठ ऊंची। आगे क्या था? कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंट की पीठ ऊंची, कुछ ऊंची पूंछ ऊंट की। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंच पीठ कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंची पीठ ऊंट की, कुछ ऊंची पूंछ ऊंट की। बोल दिया भाई, बोल दिया, बोल दिया, बोला, बोल दिया। टंग ट्विस्टर इन अ रो, बोलो जल्दी से। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंट की पीठ ऊंची, कुछ ऊंची ऊंची। नहीं नहीं, रिपीट रिपीट। कुछ ऊंट ऊंचा, अरे पॉज नहीं लेना बीच में। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंट की पीठ ऊंची, कुछ ऊंची ऊंट की पूंछ। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंट की पीठ ऊंची, कुछ ऊंची पूंछ ऊंट की। यस कर दिया। और अभिषेक ने हम कम से कम यहाँ इस सिल्ली का साइज था इधर तक, अभिषेक ने बैठ नहीं पिघला दी। अभिषेक ने अपनी पनिशमेंट पूरी कर दी, बट इसको तब भी यहीं बिठा के रखेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, अभिषेक का सिल्ली को लेना और सिल्ली पे बैठना पसंद आया, तो हमारी वीडियो पे कमेंट करें, इसको लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मेरे से नहीं बैठा जा रहा, और शेयर भी करें प्लीज। तो आज का क्वेश्चन है आप लोगों से, आज आपको बताना है कॉमेंट्स में कि रोहित कौन से मेट्रो स्टेशन पे आज उतरा था। हाँ, स्टार्टिंग में या बाद में या कब, कौन सा भी हो, बस कमेंट कर देना। मेट्रो स्टेशन आप बताना और कमेंट में। नेक्स्ट टाइम चले भाई, चलते हैं फिर, फ्राइडे नाइट है भाई, शेयर कर देना यार, अच्छा लगता है बंदे को। यार शराब पी रहा बैठ के, मैं मैच करता रहूं। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंची पीठ ऊंट की।